मेरा नाम मोहम्मद आजम अंसारी, लियाकत अली अंसारी। आजम भाई, कहाँ रहते हो और क्या घटना बनी हुई है? मैं रहता हूँ तिरुपति नगर में, मैं इनका 69 में रहता हूँ, उन पाटिया सूरत में। मेरे घर पे 13 तारीख को रात में ना 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में चोरी हुई है। चोरी कितने की हुई है और किस तरह से आपको पता चला कि आपके मकान में चोरी हुई है? चोरी भाई मेरे घर में ना मतलब कि 2 मोबाइल चोरी हुए, मंगलसूत्र चोरी हुआ था, ठीक है। और मैं लगभग 2:58 से 3 बजे के करीब में उठा तो मुझे पता चला कि भाई के मेरे घर में कुछ मतलब सामान इधर उधर कुछ मतलब गिरा हुआ मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि घर में कुछ हुआ है, चोरी वोरी हुई या कुछ हुआ है। तो मैंने पापा को उठाया, फिर हमने तपास किया, भाई को उठाया, मम्मी को उठाया, पूछा कि किसने किया, तो बोले हमने नहीं किया। तो फिर हमने जब बाहर देखा, फिर दरवाज़ा हमारा खुला था, तो हमें पता चला कि हाँ भाई हमारे घर में चोरी हुई है। तो हमने 3 बजे के लगभग 10-15 मिनट के बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पर डायल किया। तो कितने की चोरी हुई, आश्रय वगैरह कुछ सीसीटीवी दिखाई दे रहे लोग? लगभग मेरे ख्याल से कुछ 35-40 के करीब चोरी हुई है, 1000 के करीब, 40 के करीब चोरी हुई है हमारे यहाँ लगभग आश्रय। और हाँ, सीसीटीवी हमारे मतलब पड़ोसी है, उनका नाम सुल्तान भाई है, तो उनके कैमरे में मतलब चोर मतलब दिखाई दिया है कि वो 1:25 में घर में घुसा है और 2:55 में घर से निकला है बाहर। ये पूरे का घटना के अंदर पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से मिली आपको, सहयोग कैसा मिला? देखो, हमने 100 नंबर में डायल किया कॉल, तो 15 मिनट के अंदर पुलिस आ गई, 10-15 मिनट पुलिस आ गई और सारी छानबीन करी। फिर दूसरे साहब आए, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद हमको जो है सुबह फिर बुलाया, उन्होंने कैमरा वैमरा चेक किया, सुबह बुलाया, फिर हम गए तो हमें एक पे डाउट भी हुआ एक पे, तो उस पर भी छानबीन करी पुलिस वालों ने, बट वो चोर नहीं निकला। तो उसके कुछ फिर 15-20 घंटे के बाद पुलिस वालों ने मतलब जो असली चोर था उसको पकड़ा और हमको फिर कॉल आया कि भाई आपका जो एक चोर पकड़ाया है, कुछ मोबाइल वोबाइल उसके पास है, आप आके देख लो कि आपका है कि नहीं।